नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महाशिवरात्रि से पहले सबसे बड़ा तूफान आएगा। जी हां दोस्तों, सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलेजे में हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में आपके जीवन की कुछ रहस्यमयी राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि कुछ कड़वी बातें हैं जिन्हें आप दिल से समझेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, जब हम आपकी एक एक पोल खोलकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन के छुपे हुए गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें अब तक आप खुद ही समझ नहीं पाए हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की एक एक परत को धीरे धीरे उजागर करेंगे और आपके बारे में हर एक ऐसी बात बताएंगे ऐसे शायद अब तक आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन काल में समस्याएं आखिर क्यों आ रही हैं, उनका कारण क्या है और उन समस्याओं से आप हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, कौन आपका और कौन आपका दोस्त है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम है जो आपको करनी चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो आपको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, पर आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस नन करें। इसका हर एक भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो के हर एक भाग में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नई सीख मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ अपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ भी सर्च करना पड़ता है, तब जाकर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बन पाती है तो हमारी मेहनत में सफल हो जाएगी। अगर आपके जीवन में जरा सा भी बदलाव आ जाएगा, आपका जीवन जरा सा भी सुंदर। जी हां दोस्तों, तू तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और इसमें बताए गए बहुमूल्य ज्ञान को उपयोग करना है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ठंडे दिमाग की शादी के समय निकाल कर देखें और अकेले में देखें, क्योंकि दोस्तों, हर वह बात जो आपसे जुड़ी है दूसरों को बताना आवश्यक नहीं है। लोग हमेशा दूसरों के रहस्य जानने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर उनका दुरुपयोग में कर लेते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको एकांत में ठंडे दिमाग के साथ समय निकालकर यह वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता जिनके साथ होती है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने अब तक अपने जीवन काल में सुख का कोई भी पल नहीं देखा। अब तक आपने कठोर परिश्रम किया है, तब भी आपको मनचाही कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है और आप अपने आप को जिम्मेदारियों के बोझ के तले सूट करते रहते हैं। दोस्तों, आपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के आगे अपने सपनों को पूर्ण रूप से कुचल दिया है। अब आप सच्चे मन से केवल अपने परिवारजनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों के लिए आपने अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग किया है, उन लोगों को आपकी भावनाओं की कदर नहीं है। इसके विपरीत, कभी कभी आपकी अपनी ही आपको ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि आप दिल ही दिल में बहुत होते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसा भी समय आया है जब आप अपने आंसू अकेले मिलने का खुद ही बैठे हैं और आपने अपने दिल का हाल खुद को ही सुनाया है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके दिल के हाल को समझ सके और आपको हिम्मत कहने को, तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं। तमाम दोस्त या रिश्तेदार सब आपके साथ हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपके दिल की गहराइयों तक आपसे जुड़ा हो, जो आपको इन सब बातों के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप बहुत उदास हो जाते हैं, आपका मन भी बहुत निराश हो जाता है। और दोस्तों, पैसे रुपए की भी बात की जाए तो आपने अपने जीवन काल में इतना पैसा अभी तक नहीं कमा पाया है जिसमें कि आपको संतुष्टि हो। इसके विपरीत, पैसे की कमी हर वक्त
आपके काम के आड़े आती रहती है, यानी योग है। क्या परखात पैसा कमाते हैं और दो हाथ पैसा चला जाता है। यहां दोस्तों, अगर आज के समय में सच में कहा जाए तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपनी बड़ी उपलब्धि मांगने यहां दोस्तों, लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक आपको किसी ने इस तरह नहीं समझाया जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको आपकी कुछ मुख्य गलतियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। नेहा दोस्तों, शुरुआत तो हम ही करते हैं, फिर दूसरे उसका फायदा अवश्य उठाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हो आप कि मुझे कमियों के बारे में बताएंगे, ये जानने के बाद आप सतर्क हो जाएंगे और धीरे धीरे आप उनमें बदलाव करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगे। जिनके आप अधिकारी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव में एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। आप जानते हैं कि आपकी योग्यता क्या है और आप क्या कर सकते हैं। भले ही समय नहीं आपको झुका रखा है, भले ही परिस्थितियों ने आपको दबा रखा है, लेकिन तब भी आपको दिल ही दिल में यह विश्वास है कि आप यदि करने पर आए तो कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप दिल से बहुत ही साफ इंसान हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं होता है। जो लोग आपके साथ पूरा बिगड़ जाते हैं, आप उनके लिए भी अपने मन में किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं रखते हैं और समय आने पर उन्हें माफ कर देते हैं। ये आपके स्वभाव की एक बहुत ही बड़ी अच्छा। जी हां दोस्तों, और आप अंदर से बहुत धार्मिक इंसान है। यहां दोस्तों, आप बाहर से ऐसा दिखावा नहीं करते हैं कि आप ईश्वर में भरोसा करते हैं, या आप हाथी को दिखावा नहीं मानते हैं। आप दिल ही दिल धार्मिक ईश्वर पर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, लेकिन आप दिखावा बिल्कुल भी नहीं करती है। ये आपके स्वभाव की एक और बहुत अच्छी खूबी है। दोस्तों, आपकी राशि के जातक कभी भी लालची नहीं होते हैं। जब आप किसी की कोई चीज देखते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपके मन में पहला ख्याल आता है कि किसी ना किसी दिन आप भी अपनी मेहनत से हासिल करेंगे, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का लालच या मेल कभी नहीं आता है। इसी के साथ साथ आपके स्वभाव की एक बहुत अच्छी खूबी यह भी है कि आप अंदर से बहुत संतुष्ट रहते हैं जो भी आपको आपके जीवन में अब तक मिला है। चाचा जी, भाई अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए शिकायत ही नहीं करते हैं, अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं। आप चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर रखते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर ने जो आपको दिया अच्छा है, क्योंकि आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो चीज है या जो भी इच्छाएं अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, वह आज नहीं तो कल आप अपनी मेहनत से अवश्य कर लेंगे। यहां दोस्तों, आप बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले इंसान हैं। आप दिखा विभाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी आप अपने स्वभाव के विपरीत भी बर्ताव करने लगते हैं और आप थोड़ा बहुत दिखावेबाजी भी करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही आपको यह एहसास हो जाता है कि यह सब बहुत बेकार है और बहुत छोटी हरकतें हैं, इसलिए आप तुरंत फिर इससे पीछा भी छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, आप कर्मशील इंसान हैं, अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। आप मेहनत से अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आप किसी से भी अपनी तुलना नहीं करते हैं, और यदि कोई और भी आपकी तुलना किसी और से करने लगे तो आपको चैट होने लगती है। हां दोस्तों, क्योंकि इस समय के साथ साथ दुख, परेशानी और तकलीफों को देखते देखते आपकी बहुत ही दूसरों से अधिक विकसित हो गई है। अब आप छोटी विचारधारा को अपने दिमाग में नहीं रखते हैं, और जब कोई ऐसा इंसान आपके सामने आता है, क्योंकि दूसरों की बुराइयां करता है, उंगली करता है, तो आपको उससे छेड़ होने लगती है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल में भले ही बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल ना कर पाए हो, लेकिन समाज में आपका एक विशेष स्थान होता है। लोग आपका सम्मान करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझकर लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। आप जानते हैं कि किसे कितना भाव देना है, इससे कितनी बात कर
सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए लोग भी आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक तौर पर यदि बात की जाए तो आपकी राशि के जातक शारीरिक तौर पर मजबूत, कोई विशेष समस्या आपको नहीं होती है, लेकिन 8 से आप लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं। आपको पेट के रोग अक्सर परेशान करते रहते हैं, कभी कभी गुप्त रोग भी आपको परेशान करते हैं कि जल्दी ही इनका निराकरण भी हो जाता है। दोस्तों एक बात और, क्या आपकी राशि के जातक जब बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं या फिर मानसिक परिश्रम करते हैं तो आपको बुखार जैसी हरारत अपने शरीर में महसूस होती है और फिर आप आराम करने में भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं, आप दिल खोलकर आराम करते हैं और जल्दी ही फिर से तरोताजा हो जाते हैं, यानी आप अपनी थकान को लंबे समय तक रुके नहीं है। जी हां दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक के या फिर कमर पर तिल अवश्य होता है। जी हां दोस्तों, और यह कोई साधारण नहीं होता, इन तीनों की बहुत बड़ी खूबियां होती हैं। जिस जातक के पीठ पर यानी कंधे के आसपास तिल होता है वह जातक शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार जिस जातक के कमर के आसपास तिल होता है वह जातक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है, मानसिक तौर पर बहुत ही बलवान होता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं, किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते, किसी की भी कोई भी समस्या या दिक्कत सुनकर आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपकी अच्छाई के अच्छा बहुत बड़ी बुराई भी है, क्योंकि आपकी शहादत को बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं और भी अपना दुखड़ा रोकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। कई बार आपको अच्छी तरह से पता होता है कि यह इंसान गरीब लड़की वाला आपका फायदा उठाने आया है, कि वह चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकलवाना चाहता है, तब भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कोमल दिल के इंसान हैं। अब बहुत जल्दी पिघल जाते हैं क्योंकि आपका स्वभाव बहुत दयालु है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में त्याग की एक विशेष भावना होती है। जी हां दोस्तों, आपको आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उनसे थोड़ा बहुत लगाव तो रखते हैं, लेकिन यदि आपने मन में ठान लिया तो आप तुरंत उन्हें त्याग ही सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों को हमेशा रिश्ते नातों में बुराइयां ही मिलती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप जब किसी की बार बार मदद करते हैं तो एक बार यदि आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तो वह आपकी बुराई करने लगेगा। दूसरा, आपकी एक आदत और है कि आपको जो भी महसूस होता है किसी के लिए आप उसे उसके मुंह पर ही बोल देते हैं। आप इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं कि सामने वाले को यह बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। जी हां दोस्तों, आपकी इसी आदत की वजह से कुछ लोग आपसे जुड़ जाते हैं और आपकी बुराइयां करने लगते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करें, आप रिश्ता निभाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अंत में आपको पूरा ही मिलती है। जी हां दोस्तों, आप लोग स्वभाव से कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आप जल्दी ही हिम्मत नहीं हारते हैं, आपके अंदर एक गजब की जुझारू भावना होती है जो आपको हर एक विपरीत परिस्थिति में डटकर खड़े रहने की शक्ति देती है। शायद इसी वजह से आप आज तक बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करते हुए चले आए हैं और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। एक बात और बता दें कि आपकी राशि के जातक की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, या यूं कहें कि आकर्षण होता है, जो भी एक बार आपकी आंखों में देख लेता है आपकी ओर ना चाहते हुए भी आकर्षित होने लगता है, आपके बारे में सोचने लगता है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातक हमेशा प्यार मोहब्बत के और सम्मान के भूखे होते हैं। जी हां दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं, क्योंकि आपकी भावना लोग अच्छी तरह से समझते हैं और जब अपना काम निकालना होता है तो आपको झूठा प्यार मोहब्बत में और झूठी दिखा भी बाजी की भावनाओं में फंसाकर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक खूबी और है आपके अंदर कि जब आप यह पहचान जाते हैं कि सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है
तो आप फिर उसे अपने आसपास फटकने भी नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि आप लोग एक दो बार उसे मौका अवश्य दे देते हैं, माफ जरूर कर देते हैं, लेकिन बार बार जब वह अपनी आदत को दोहराता है, अपनी गलती दोहराता है, तो फिर आप पीछा छुड़ा लेते हैं। फिर चाहे वह आपका कितना ही नजदीकी दोस्त यार या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, और एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें कि आपके द्वारा दी गई सलाह से दूसरों को बहुत फायदा होता है। जी हां दोस्तों, या यूं कहें कि आप दूसरों के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। केवल आपकी सलाह ही नहीं है, यदि आप किसी के साथ में बनी रहे तो दूसरों के काम बड़ी जल्दी बन जाते हैं। यानी आपका साथ ही दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। जी हां दोस्तों, आप लोग जो कहते हैं वह करते हैं, यानी आप अपने वादे के पक्के होते हैं। एक बार आपने जो अपने मन में ठान लिया, आप फिर उसे करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन काम क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, एक और चीज है जो आपके अंदर खास है कि आपके अंदर किसी ना किसी रूप में टैलेंट बहुत अधिक होता है। यानी आपके अंदर ही खूबी ऐसी ईश्वर के द्वारा दी गई होती है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने का दम रखती है। जी हां दोस्तों, किसी के साथ साथ आप लोग बातचीत में बहुत ही कुशल होते हैं, या दोस्तों आप साधारण शब्दों का प्रयोग करके भी किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसका दिल जीत सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपके अंदर एक मासूमियत का गुण भी होता है, और इसी मासूमियत के गुण की वजह से आपका शोषण भी हो जाता है। लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर आपका फायदा उठा लेते हैं, और आप इस बात को समझ में नहीं पाते हैं। जब तक आप समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप अपने जीवन में अपना कुछ विशेष मुकाम बनाना चाहते हैं। आप इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप अपना खुद का कोई भी काम करना चाहते हैं। यह बात अवश्य है कि जब तक मजबूरी है यह समय साथ नहीं देता था, तब तक आप किसी के यहां नौकरी कर सकती है, किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सक्षम होते हैं वैसे ही आप अपना कार्य करना चाहते हैं, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह आपकी बहुत बड़ी खूबी है और दोष। आपको बता दें कि आप अपनी उम्र के फोटो में पड़ाव के बाद, यानी कि 40 साल के बाद, आप अपने किसी भी कार्य में, यानी किसी ने किसी क्षेत्र में कामयाब अवश्य होते हैं, और आप मंदिर जाते हैं। यदि आपके प्रारंभ अच्छे हैं तो यह समय कुछ जल्दी भी आ सकता है, यानी कि तीसरे पड़ाव पर भी, यानी कि 30 साल के आसपास भी यह हो सकता है, लेकिन 40 साल के होने के बाद आपको निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाता है। जी हां दोस्तों, आप लोग अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर यह हूं भी देखी गई है कि आप ऊपर पैसे का नुकसान करवा सकते हैं, किसी से रिश्ता भी खराब कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई आपका अपमान करें, आपकी बेइज्जती करें, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप ऐसे किसी इंसान को जीवन भर माफ कर पाते हैं जो आपकी बेइज्जती कर देता है। यहां दोस्तों, इसी वजह से आपकी राशि के जातक बुराइयों से बहुत डरते हैं, झूठे लांछन उसे बहुत डरते हैं। आप मन हमेशा यह डर लगता रहता है कि कोई आपकी ओर उंगली ना उठा दे, आप पर कोई आरोप ना लगा दे। इस वजह से आप बहुत ही संभल संभल कर चलते हैं और अपने आप मुसलमान का विशेष ख्याल करते हुए जीते हैं, उसमें आप कामयाबी रहते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोग किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई आपकी भावनाओं को जीत लेता है, आपके दिल को जीत लेता है, तो फिर आप उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन आपकी राशि के जातक रिश्ते नातों के मामले में थोड़ी सी दूर भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, यह सच्चा प्यार में जीवन में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, कभी कभी तो प्राप्त होता ही नहीं है, और यदि बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो भी जाए तो उसे लंबे समय तक यह लोग संभाल नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है इनका सच्चा प्यार भी इनसे दूर हो जाता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आप लोगों के अंदर जोड़ तोड़ का हुनर बहुत अधिक पाया जाता है। आपको अपना काम निकलवा बहुत अच्छी तरह से आता है, कौन सा काम किस तरह से बनेगा आपको अच्छी तरह से पता है कि इस आदमी को आप कैसे हैं
दिल करेंगे। यह भी बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। इस वजह से आप अपने बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन काम है इतनी आसानी से करवा लाते हैं, जिनके बारे में लोग सोचकर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये दोस्तों जिन कामों को करवाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, कभी कभी भी काम तो आप अपनी बोलने की, अपनी भाषा के हुनर की वजह से ही करवा लाते हैं। अपनी मीठी बोली से अपने दिल जीतने की, उधर से आप उस काम को करवा लाते हैं और आपकी खूबी की वजह से लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। ये दोस्तों किसी के साथ साथ है। आपकी राशि के जातकों के संबंध बड़ी जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। यह बात जरूर है कि उनके संबंध लंबे समय तक नहीं चलते, रोते रहते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी ही नहीं संबंधी इन्हें प्राप्त भी हो जाती है। जैसे कि चाहे प्यार मोहब्बत की बात हो या फिर दोस्ती यारी की बात हो, यदि किसी दोस्त से बुराई होगी तो जल्दी ही दूसरा दोस्त इनके जीवन में आ जाएगा। लेकिन उम्र की फोटो के पड़ाव में पहुंचकर, यानी कि जब आप 40 साल की हो जाते हैं, मैं 30-40 के आसपास, फिर आपके जीवन में लोगों की इस प्रकार एंट्री नहीं हो पाती है। यही नहीं कि फिर आप जीवन में रिश्ते नातों की सच्चाई को समझ जाते हैं तो फिर आप लोगों को इतना भाव नहीं देते हैं। यहां दोस्तों अब वीडियो के अंत में आपको दुख हो गया और बताते हैं जो आपकी आंचल में कमियां भी हैं। दोस्तों पहली कमी यह है कि आपके पास जितना भी धन होता है, जितना भी रुपया पैसा होता है, आप उसी कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। यहां दोस्तों यानी कि रुपए पैसे के मामले में आप बहुत ही असंतुष्ट प्राणी हैं और इसी के साथ साल आपकी राशि के जातकों में घर की भी बहुत कमी पाई जाती है। जैसे ही कोई बात ही नहीं पता चलती है तो यह जल्दी से जल्दी उसे पूरा जान लेना चाहते, रहस्य को जल्दी से जल्दी उजागर कर देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी भावना के चलते या अपने खुद के रहस्य भी लोगों के सामने भी चीज को उजागर कर देते हैं और फिर अब मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताना। और आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, हम आपके लिए सर्वोत्तम वीडियो लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। कमेंट करके आप हमें यह भी बताना, और सबसे खास बात कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे अवश्य लिखना। जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।